बर्सर्स के बिजली बाजार में नालियों में गंदा पानी भरा है, जिस कारण स्थानीय व्यापारियों और लोगों का दुर्गंध से जीना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को भी कई बार शिकायत की गई है, मगर आज तक कोई हल नहीं हुआ। नालियां बंद होने के कारण बरसात का पानी रुका हुआ है, जिस कारण यहां गंदे पानी में मच्छरों का पनपना आम बात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने व्यापार मंडल के प्रधान को भी इस समस्या के बारे में बताया, मगर कोई हल आज तक नहीं निकला। पानी सड़क में खड़े होने के कारण आने जाने वाले वाहनों से पानी उछलता है, जिस कारण लोगों के कपड़ों पर गंदा पानी गिरता है। इसके अतिरिक्त इन गंदी नालियों से ही पेयजल आपूर्ति की नालियां भी गुजरती हैं, जिससे पेयजल नालियों में भी गंदा पानी जा रहा है, जिससे लोग भयंकर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। स्थानीय व्यापारी रमेश चंद का कहना है कि नालियों में गंदा पानी पड़ा रहता है, जिस कारण कोई भी भयंकर बीमारी उभर सकती है। स्थानीय निवासी अजय शर्मा का कहना है कि नालियों में गंदा पानी होने से बड़ी परेशानी है, विभाग को बताने के बावजूद भी कोई हल नहीं हुआ। बिहार में नालियों का पानी रुका है, जिससे कई तरह की बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इस कार्य इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हम पीडब्ल्यूडी कार्यालय गए, वहां पे भी उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं कर सकते। फिर हम ब्लॉक में बीडीओ ऑफिस गए तो उन्होंने कहा कि ये हमारा कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पे इसको एक दो बार करवा देंगे। आगे हमारा साथ में एक बीपीएल परिवार रहता है, बीपीएल परिवार का घर भी गिर सकता है और उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। और साथ में प्राइमरी स्कूल लगता है और जिस स्कूल में लगभग 150 लड़के पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बीमारी का हमारे बिहार में नालियों की बहुत बुरी हालत है, पानी से भरी हुई है, कीचड़ से भरी हुई है और बीच में से आईपीएच विभाग की नालियाँ पानी वाली गुजर रही हैं और कई बार मतलब वो थोड़ा लीकेज हो जाता है तो पानी गंदा पानी अंदर घुस जाता है। तो साथ में जब बारिश होती है, बरसात आती है तो पानी लबालब उसमें भरा होता है अक्सर के अंदर, तो चलना भी मुश्किल है। और साथ में हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और इतनी गंदगी है, इतना पूरा हाल है सफाई का और सारे हिंदुस्तान में सफाई अभियान चला हुआ, सफाई की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि कोई भी आदमी देख कर के हैरान हो जाता है कि इस बिल्डिंग की ऐसी दशा है। जहाँ तहसील हेडक्वार्टर है, वीडियो ऑफिस है, के बैंक हैं, कई विभाग हैं, लेकिन दुनिया आती जाती है, देख के लोग हैरान हो रहे हैं। और साथ में ही बीपीएल परिवार का घर है, उसके साथ पानी बह रहा है,